तो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और रिव्यू एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं लेके आई हूँ एक हेयर सेटिंग स्प्रे। ये है मेरे हाथ में नोवा का हेयर सेटिंग स्प्रे, जो कि बालों को होल्ड करने के लिए, जो भी आप हेयर स्टाइल बनाते हैं या फिर कर्ल करते हैं बालों को, उसको होल्ड करने के लिए ये हेयर सेटिंग स्प्रे है। ये नोवा का है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था और काफ़ी बेटर रिजल्ट है इसका, और क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और प्राइस भी बहुत कम है इसका। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो इसका हम इसे यूज़ करके देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम अपने बालों को कर्ल कर लेंगे। आपको, आप जब भी कर्ल करें तो आपको याद है ना, मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप बालों में कोई भी हीटिंग अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है, तो आप मेरी वीडियो को जाके देखिए। तो मैं सबसे पहले अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ और फिर मैं इसे स्प्रे को अप्लाई करूँगी कि ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। कर्ल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक आप जाइए मेरे चैनल पे, और भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप देखिए, आपके काम की ज़रूर ना कोई वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो ये देखिए कर्ल हो चुके हैं और अब हम स्प्रे करेंगे। तो ये है नोवा का हेयर सेटिंग स्प्रे, अब हम इसको कर्ल हेयर पे अप्लाई करेंगे। तो जो बाल मैंने कर्ल किए हैं सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है, नहीं तो आपके दूसरे बाल भी एज अ होल्ड हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके आई कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो अच्छे से सावधानी से आप अपने बालों में इसे कर्ल कर लें, और जिस तरह से जैसे आप बालों में कर्ल करोगे आपके बाल वैसे ही बने रहेंगे। अब मैं सेकंड कर्ल करने जा रही हूँ और अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। कर्ल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ये देखिए दोनों कर्ल हो चुके हैं। इस पर मैंने स्प्रे अप्लाई किया है, और जो अभी किया है इस पर मैंने स्प्रे अप्लाई नहीं किया है, और दोनों में हम फ़र्क देखेंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये जो कर्ल है बहुत लाइट वेट सा लग रहा है जिस पे स्प्रे नहीं किया है, और जिस पे स्प्रे किया है वो एकदम होल्ड सा है, और ये वाला थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे खुलने वाला है, और ये कर्ल जिस पे मैंने स्प्रे किया है। तो कहने का मतलब यही है कि आप स्प्रे अप्लाई करते हो तो आपके बाल जैसे हैं वैसे की वैसे ही बने रहेंगे। आप जो भी हेयर स्टाइल करोगे वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, आपकी हेयर स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कर्ल हेयर सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा ज़्यादा भी यूज ना करें, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा बचें तो ज़्यादा बेटर है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का पफ बनता ही नहीं है, कितना भी बना लो वो बैठ ही जाता है, तो कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो बैठ ही जाता है। तो उसके लिए आप हेयर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा आप पफ बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, उसके बाद इसे होल्ड कर सकते हैं जितने टाइम चाहें उतने टाइम के लिए। तो ये वाला हेयर सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा है और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, 400 ml का है, और ये मुझे 200 रुपये का मिला था फ्लिपकार्ट से, ऑफ़र चल रहा था। मैं जब भी कोई ऑफ़र आता है तो मैं फटाक से ख़रीद लेती हूँ कुछ भी चीज़ हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है और रिजल्ट इसका बहुत बेटर है, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड जो भी वीडियो एंड ज़्यादा बोलती हूँ इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ वीडियो पे फोकस कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।